Hello and very very warm welcome to Time Edu, sir. So this is our lecture 1.5 of electricity chapter, and in this lecture we are going to cover some important topics. So in the last lecture we have covered Ohm's law. Okay, so Ohm's law ke upar jo graphical representation hota hai Ohm's law ka, V versus I graph hum dekhenge sabse pehle, uske baad limitations Ohm's law ka dekhenge, then we will get out some facts about resistance क्या होता है वो जानेंगे, specific resistor क्या होता है resistor के बारे में जानेंगे, then combination of resistor, resistor को कैसे combine करते हैं series में parallel में वो देखेंगे. So this is a graph of potential difference of a battery connected in a circuit with current. Okay. So सबसे पहले हम देखेंगे कि potential के बढ़ने से करंट का जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी लॉ, जो ओम्स का लॉ है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और आप लिखते हो इसे V इक्वल टू IR. सो हियर व्हाट यू कैन सी दैट इफ वी विल इंक्रीज पोटेंशियल देन करंट विल इंक्रीज, एंड दिस इंक्रीज इज क्लियरली फ्रॉम दिस प्रोपोर्शनैलिटी कि द इंक्रीमेंट जो होगा ये लीनियर होगा, ये इंक्रीमेंट लीनियर होगा. लीनियर कहने का मतलब एक लाइन के अलोंग बढ़ेगा. अगर आप पोटेंशियल एक यूनिट बढ़ाओगे तो करंट में भी उतना ही चेंज होगा जितना कि पोटेंशियल में चेंज किया हमने. सपोज हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल को लिया है और वाई एक्सिस पे करंट ड्रॉ किया. ओके, सो आप देखेंगे करंट भी हमने 1, 2, 3, 4, 5, 9 मिली एम्पीयर तक लिया और पोटेंशियल को 0 से 9 वोल्ट तक लिया है. सपोज अगर मान लेते हैं हम 2 वोल्ट पे पोटेंशियल देखते हैं, तो 2 वोल्ट पे अगर पोटेंशियल यानी 1 से 2 हुआ तो 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया. ठीक है, तो उसी तरीके से करंट भी 1 ही यूनिट बढ़ेगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ाया उतना ही करंट भी बढ़ रहा है. उस तरीके से अगर फिर 3 वोल्ट पे आप जाओगे तो 3 वोल्ट आपको करंट भी मिलेगा. सिमिलरली 1 यूनिट ये बढ़ेगा तो 1 यूनिट ये भी बढ़ेगा. तो दिस इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को 2 टर्म होता है तो उसका जो ग्राफ होता है उस तरीके से बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है. द ग्राफ विल बी लीनियर. तो यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है दैट वॉज द कॉन्स्टेंट टर्म आर जो वी बाई आई होता है. So, this R term, जिसे resistance हम कहते हैं, resistance के ऊपर डिपेंड करेगा. आप जब V versus I ग्राफ बना रहे होंगे या जब आप V को बढ़ा के I में changes observe कर रहे हैं तो उस time में आपने क्या किया है, resistance को fix रखा है. Suppose 1 kilo ohm resistance पे हम लोग अभी चेक कर रहे थे, तो resistance आपने constant रखना है. उसके बाद आपको चेक करना है कि करंट कैसे बढ़ रहा है potential के बढ़ाने पे, और अगर resistance को हम चेंज करेंगे तो ये जो ग्राफ है हमारा वो बदल जाएगा. ऐसा नहीं है कि 1 किलो ओम के लिए यही ग्राफ होगा, 2 किलो ओम के लिए यही ग्राफ होगा. सपोज हमने रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया, और ऑब्वियस बात है अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, करंट कम होने लगेगा. तो सिमिलरली जितना पे आपको 1 वोल्ट पे जितना आपको करंट मिल रहा था उससे अब कम अमाउंट में करंट आपको मिलेगा. कब, जब हमने रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया. रेसिस्टेंस और बढ़ाओगे तो करंट का और कम होने लगेगा, करंट और कम मिलने लगेगा आपको, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने लगेंगे. ठीक है, 47 किलो ओम के लिए अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कम अमाउंट में करंट इंक्रीज कर रहा है. आप अगर 0 से 9 वोल्ट तक भी आ रहे हो तो करंट हमारा 1 एम्पियर नहीं हो रहा है. तो दैट इज कि एक पर्टिकुलर अगर मान लेते हैं हम अगर वी और हाँ, लेकिन एक सीन के लिए अगर वी और आई को हम यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे हर एक केस में क्या हो रहा है, जो रेशियो है ना हमारा वी और आई का, वी और आई का रेशियो वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसीलिए रेसिस्टेंस हमसे कहते हैं. तो रेसिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे, पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है कि आप जिस वायर में मान लो ये अगर वायर है, वायर में हमने क्या क्या सेल लगाया है और यहाँ पे करंट और वी वी को चेंज कर रहे हैं, करंट में ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं. अगर मान लो आप वी सेम रहने दो, कहने का मतलब कि पोटेंशियल हम चेंज नहीं कर रहे अब. ठीक है, और रेसिस्टेंस को बदलना शुरू कर दे, R1 था फिर R2 कर दिया, R3 कर दिया, रेसिस्टेंस को बढ़ाने लगे या घटाने लगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी करंट जो होगा हमारा वो चेंज करेगा. लेकिन हाँ, अगर एक रेसिस्टेंस पे आप देखोगे तो एक रेसिस्टेंस पे ग्राफ जो बनेगा आपका वो ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा. ओके, सिमिलर दूसरे रेसिस्टेंस के लिए ग्राफ जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा. अलग हो सकता है, एक स्टेप अप हो सकता है, स्टेप डाउन हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, स्टिपिंग हो सकता है, हायर हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है. सो दिस इज व्हाट द वी वर्सेस आई ग्राफ. लेकिन इसमें एक दो और कंडीशन जो कांस्टेंट रहता है वो ये है कि टेम्परेचर भी आपको देखना है कि टेम्परेचर हम उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे रखें, टेम्परेचर को ज्यादा से मिनिमम 0 से 20 डिग्री सेल्सियस या 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि रेसिस्टेंस पे टेम्परेचर के बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट. दूसरी बात, आप जो रेसिस्टेंस ले रहे हो या जो आपका वायर है उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको कांस्टेंट रखना है.
है, अगर आप वो भी चेंज करोगे तो देन ऑल्सो रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है, तो इससे आप डिफरेंट टाइप का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ग्राफ ग्राफ को लेके। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के ऊपर। देखो, ओम्स लॉ जो हमने निकाला है, ओम्स लॉ भी प्रोपोर्शनल आए, ये जो हमारा लॉ है कि इसके लिए, इसमें काफी सारा कॉन्स्टेंट है, काफी सारा लिमिटेशंस है कि इसे हम हर जगह यूनिवर्सली इसको यूज नहीं कर सकते, हर जगह ये वैलिड नहीं होता। इसका अपना एक रेंज है जहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको। जैसे इसे यूज करने के लिए आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, उसके बाद आप रेसिस्टेंस अगर कांस्टेंट लेते हो तो, और भी और आई में रिलेशन आप देखोगे तो इन सब कांस्टेंट को हमें क्या करना होता है, फिक्स रखना होता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको भी और आई में रिलेशन चेक करना है तो इन सब सारे टर्म्स को क्या करना है, आपको कांस्टेंट करके रखना है। उसके बाद और भी चीजें हैं जिसके ऊपर ओम्स लॉ डिपेंड करता है। तो जैसे पहला पॉइंट क्या है कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मैटर कंडक्ट ऑनली, तो ओम्स लॉ के लिए भी और आई का जो रिलेशन है, लीनियर रिलेशन, ये मैटर कंडक्टर के लिए जनरली होता है, सिर्फ मैटर कंडक्टर में होगा ये। उसके बाद अगर टेम्परेचर और बाकी चीज कॉन्स्टेंट रहे तो ये दो चीज जो है ना, टेम्परेचर और बाकी का फिजिकल कंडीशन, जो है फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब, जो भी आपने रेसिस्टेंस लिया, कोई वायर अगर मान लिया आपने, मेटेलिक वायर ही लिया है तो उसमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका लेंथ, ये सब भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आप उसमें बी और आई में रिलेशन देखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं, बी और आई का रिलेशन है तो आप इस सब के चेंज पे वो ऑब्जर्व ना करो और इस सब चेंज को अवॉइड कर दो, इस सब चेंज को नहीं देखो, तो आपको फिर से ये लीनियर ग्राफ ही मिलेगा, इसका लीनियर रिलेशन ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो सो दीज ऑल थिंग्स आर द कॉन्स्टेंट दैट इसको, जो ओम्स लॉ को लिमिट करता है, ये उसका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि मेटल कंडक्टर के लिए वैलिड होगा और बाकी टेम्परेचर और फिजिकल कांस्टेंट जो है उसको हम कंडीशन को कांस्टेंट करके रखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि ओम्स लॉ हमारा गैसियस कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है, जो भी गैसियस कंडक्टर होंगे उसके लिए भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेमी कंडक्टर्स जितने भी है, सेमी कंडक्टर सिलिकन जर्मेनियम इन सब तरह के, मतलब ये सब सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ये कंडक्टिंग कंडक्टर की तरह उतना ज्यादा बिहेव नहीं करते, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उतना ज्यादा फ्री नहीं होता, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे होते हैं जो कुछ बहुत कम अमाउंट में, जो थोड़ा सा कंडक्टिविटी देते हैं बट नॉट एज कंडक्टर, तो इसे हमने सेमी कंडक्टर के श्रेणी में रखा है। तो सेमी कंडक्टर का क्या है, जैसे सिलिकन या जर्मेनियम या आर्सेनिक, जो भी आप सेमी कंडक्टर कोई भी एलिमेंट लो, तो इसे जैसे सिलिकन का अगर आप मान लीजिए कोई कंडक्टर बनाते हैं, या सेमी सिलिकन का कोई मटेरियल है और इसमें आप कोई बैटरी लगा के वी आई कर्व नोटिस करेंगे, तो दिस विल बी ये आपको दिस विल नॉट लीनियर, ये ऐसा लीनियर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसका कर्व कैसा मिलेगा अभी हम आगे देखेंगे, उसका जब हम ओमिक और नॉनोमिक का बात करेंगे तो उसके लिए कर्व देखेंगे। इसका कर्व जो है वो थोड़ा सा लीनियर नहीं होगा, कर्व बन जाता है, थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप कर्व बन जाता है। ओके, तो ये ओम्स लॉ का तीन लिमिटेशंस है। व्हाट डज ओमिक एंड नॉनोमिक कंडक्टर मीन? देखो, ओमिक कंडक्टर सिंपल ऐसे कंडक्टर्स या ऐसे मटेरियल को बोलेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, जो ओम्स लॉ को फॉलो ऑबे करे। ठीक है, जो ओम्स लॉ को ऑबे करे मतलब जिसका ग्राफ लीनियर हो किसी कांस्टेंट रेसिस्टेंस के लिए, जिसका वी आई कर्व जो है वो लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ मटेरियल, सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स नोन एज ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, नॉन ओमिक कौन होगा, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, जो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा जिसके ऊपर, ऐसे कंडक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर का आप ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कुछ देर तक शुरू में थोड़ा सा आपको लीनियर दिखेगा, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली ये ओम्स लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं करता, पूरा ये पैराबोलिक कर्व बन जाता है। ठीक है, तो सो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। चलिए हम डिफाइन करते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टर को। रेसिस्टेंस टर्म का जो हमने निकाला है वो प्रोपोर्शन ओम्स लॉ से हमने रेसिस्टेंस को डिफाइन किया। रेसिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट वी बाई आई, और इसका यूनिट हमने देखा था ओम्स। बट इसका अगर हम एनालिसिस एनालिसिस करें कि रेसिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली ये क्या है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का या किसी सर्किट का एक मतलब ऐसा मेजरमेंट है जो अपोजिशन। देखो, आप जब भी किसी कंडक्टर में देखो करंट अगर फ्लो करता है तो करंट को फ्लो करने में कुछ ऑब्स्टेकल मिलता है, कुछ हर्डल मिलता है, उसको रोकता है कोई, तो वही रुकावट, करंट के फ्लो में जो रुकावट होता है दैट इज रेसिस्टेंस। ओके, इस करंट में जो रुकावट होगा उसी रुकावट को रेसिस्टेंस कहते हैं। सो रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, एंड इस ओम से सिंबलाइज करते हैं इसको, हम इसके यूनिट को। ओके, तो थोड़ा सा और बात करते हैं इसके अंदर, इसके
इंटरिंस्टिक मैटर को, इसके अंदर क्या होता है, जब आप किसी भी कंडक्टर को देखोगे तो जब उसके अंदर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने रखता है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करता है एक वे में अलाइन होकर, तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका एलिमिनेशन या इसका जो फ्लो है वो इतना स्मूथ नहीं होता, या सीधा ऐसा नहीं होता कि फ्लो हो गया तो पानी की तरह सीधा फ्लो करने लगेगा। पता है आपको, पानी भी जब फ्लो करता है तो पानी में भी आप देखोगे कि पानी के फ्लो को भी रुकावट मिलता है। उसके लिए आप जब विस्कोसिटी वगैरह फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उसमें भी एक रेसिस्टेंस होता है। तो हर एक फ्लो में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस मिलता ही है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को भी रेसिस्टेंस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा, उसका जो नेवरिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा या अगल बगल का इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं होगा, या कुछ और उसके अंदर का जो ये होगा, इसका जो सरफेस होगा वायर का, इन सब के कारण उसको कुछ हर्डल मिलता मिलेगा, जिसके कारण वो पूरा फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर पाएगा। उसके मूवमेंट में एक गतिरोध पैदा होगा, एक रुकावट पैदा होगा, उसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये सिर्फ चीज जो है ना, ये मैटर करता है कैसे, हमने जब रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस पढ़ा था, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल एल से था, लेंथ के बढ़ने पे देखा था कि रेसिस्टेंस कैसे बढ़ता है, लेंथ के वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। और उसके बाद एक चीज, हर एक मटेरियल का जो अपना कॉन्स्टेंट था, दैट वाज रेसिस्टिविटी, ये सब हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि रेसिस्टर, देखो रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टेंस तो हम समझ गए, किसी भी वायर का, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी वायर अगर हम लेते हैं तो उसका प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वायर लिया, इसके में करंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऐसे करके हम स्पेसिफिक दिखाते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है, लेकिन ये जो बाकी का पोर्शन है ये भी तो वायर है ना। तो कोई भी मटेरियल होगा जिससे करंट फ्लो करेगा, उसके मटेरियल का वो एक प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो उसको करंट को फ्लो करने से रोकता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई कंडक्टर, कोई एक हमने ऐसा करके एक सर्किट बनाया, सपोज मान लो अभी सीधा इसमें बल्ब लगा दिया है और ऐसे सेल से कनेक्ट कर दिया है इसे, और हमें क्या करना है, इस करंट को रोकना है। तो देखो आप देखेंगे आर प्रोपोर्शनल क्या, आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी बाय आई लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट घटने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर मान लो हम यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं सपोज इस जगह पे, तो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे इसका ड्रॉप कर लेंगे, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस हम इस जगह का रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट के फ्लो करने में दिक्कत होगा, करंट फ्लो करने में दिक्कत होगा, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगा ना, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे ड्रॉप ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी यूज होगा यहाँ पे इसको जाने में, ठीक है। तो ऐसा अगर हमको किसी जगह पे जरूरत पड़े कि हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है कि रेसिस्टेंस को बढ़ाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का बढ़ाने का इसका अपना अलग फायदा है, इसका बहुत वाइड स्कोप है। हम लोग जो भी देखते हैं, जैसे हीटिंग एलिमेंट, सब कुछ भी होता है, जो किसी को हीट करना हो या करना हो, तो वहां पे रेजिस्टेंस का काफी ज्यादा यूज पड़ता है, रेजिस्टेंस को हम बढ़ा के वहां पे ये काम करते हैं। तो कुछ ऐसा अलग से मटेरियल बनाया गया है जो हम स्पेसिफिक तौर पे कहीं पे अगर हमें रेसिस्टेंस को बढ़ाना हो, घटाना हो, रेसिस्टेंस को कंट्रोल करना हो, तो वहां उसे हम यूज करते हैं। जैसे इस तरह के डिवाइस, इस तरह के मटेरियल को आपने कभी देखा होगा लैब लैब में, या किसी इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे, या आपके यहाँ अगर कभी कोई चीज का रिपेयरिंग हुआ हो, या आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट अगर खोल के देखा होगा, तो उसमें इस तरह का जो है ना, इस तरह का रेसिस्टेंस मोड़ के ऐसा करके लगा हुआ रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर है, ये रेसिस्टर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स बहुत तरह का रेसिस्टर होता है, जैसे रेसिस्टर की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेसिस्टर, लीनियर रेसिस्टर, नॉन लीनियर रेसिस्टर। अब लीनियर में तुम्हारा फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, फिक्स का मतलब ये हुआ कि ये इसका रेसिस्टेंस कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है, या घटेगा नहीं। एक वेरिएबल होता है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसमें अब तीन तरह का डिवाइस मिलता है, रियोस्टेट होता है, ट्रिमर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। इतना ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जानना है, फिर भी अगर आपको समझना है तो आप इसको पॉज करके सारे चीज को आप देख सकते हो। बेसिकली अगर फिक्स रेसिस्टर में हम बात करें, तो फिक्स रेसिस्टर में जनरली इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर होता है, और उसके अलावा बाकी रेसिस्टर भी आता है, कुछ वायर उंड रेसिस्टर होता है, थिक फिल्म रेसिस्टर होता है, ठीक है, थिन फिल्म रेसिस्टर होता है, और बहुत सारा तरह का रेसिस्टर बनाया जाता है। बाकी नॉन लिनियर में जैसे ट्रांसमीटर हो गया, ओके, फोटो रेसिस्टर हो गया, एलडीआर, बैरिस्टर रेसिस्टर हो गया, सरफेस माउंट हो गया। तो ये जो नॉन लिनियर रेसिस्टर है ना, इस सब के ऊपर भी ओम्स लॉ अवे नहीं करता, ओके। तो हम बात करते हैं कि रेसिस्टेंस, ये जो कार्बन रेसिस्टर होता है, जो हम लोग कार्बन रेसिस्टर जैसे ये सब यूज करते हैं, इसमें देखोगे कि ये भी तीन तरह का होता है। एक होता है आपको 4 बैंड रेसिस्टर होता है, 5 बैंड रेसिस्टर होता है, 6 बैंड रेसिस्टर होता है। बैंड क्या होता है, आप इसमें देखेंगे ये जो रेसिस्टेंस है हमारा, रेसिस्टर जो है, इस रेसिस्टर में कुछ कलर का बैंडिंग किया हुआ है। ये कलर बैंड इसलिए किया जाता है, इस कलर बैंड का मतलब होता है इसका कुछ अपना कोड है, और इस कोड को आप रिवील करके निकाल सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेसिस्टर का
इस पर्टिकुलर रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना ओम है। तो इसके लिए क्या है ना, जो भी कलर है हर कलर का एक कोड होता है, जैसे ब्लैक के लिए जीरो होता है, उसी तरीके से हर कलर का अपना अपना एक कोड है। और उसके बाद जैसे ब्राउन रेड का जो, या गोल्ड कलर का जो चौथा इसके बाद का जो रजिस्टर होता है, मतलब लाइन जो होता है इसमें, स्ट्रिप जो होता है, उसका अपना एक मतलब होता है, जैसे कि उसको टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझ लो एक तरीके से, अगर समझना है तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर फोर बैंड रेसिस्टर है हमारे पास, ठीक है, तो इसका जो शुरू का दो बैंड होता है, शुरू का दो बैंड जो होता है ये हमारा पहला दो सिग्निफिकेंट फिगर। से मान लो कि आपको रेसिस्टेंस किसी चीज का दिया हुआ 2700 ओम, ठीक है, किसी चीज का 2700 ओम रेसिस्टेंस है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2.7 × 10³। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो और सात, ये जो आपका दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर ये दिखाएगा उस रेसिस्टेंस का, अगर हम रेसिस्टेंस ऐसा बनाते हैं इतने ओम का, तो इसका जो पहला स्ट्रिप और दूसरा स्ट्रिप जो होगा, ओके, पहला स्ट्रिप का कलर वो होगा जिसका कोड दो होगा, दूसरे स्ट्रिप का कलर वो होगा जिसका कोड सेवन होगा, और तीसरा स्ट्रिप वो होगा ये जिसका आपको मान लीजिए ये 3 पावर है ना, तो ये उसका डेसिमल मल्टीप्लायर होगा, और एक और होगा जिसका जो जिसका ये जो स्ट्रिप होगा, इस स्ट्रिप का मतलब होगा टॉलरेंस। टॉलरेंस कहने का मतलब कि इसमें अगर मान लो 2700 ओम मैं कह रहा हूँ, तो प्लस माइनस मान लीजिए 10 ओम हम कहते हैं कि प्लस माइनस हो सकता है, 10 ज्यादा हो या 10 कम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा रेसिस्टेंस लगा, एक ऐसा स्ट्रिप लगाते हैं जिसका कलर जो है, जो ये इशारा करे कि उसमें टॉलरेंस जो है वो 10% का है, ठीक है, यार जितना परसेंट भी होगा उसका है। तो ऐसे देखो कि जैसे 5% जो होता है, 5 अगर गोल्ड कलर का यहाँ पे है टॉलरेंस, गोल्ड कलर का स्ट्रिप है, तो उसका मतलब उसका टॉलरेंस 5% है। अगर सिल्वर है तो उसका टॉलरेंस 10% है। जैसे अगर दो है यहाँ पे, तो यहाँ का कलर क्या होना चाहिए, दो का कोड रेड है तो यहाँ पे रेड कलर होना चाहिए। अगर ये सेवन है तो सेवन का कोड क्या है, सेवन का कोड पर्पल होना चाहिए। और यहाँ पे जो मल्टीप्लायर हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 किसका कोड है, ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर होना चाहिए। और 10% मान लो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि 10% का टॉलरेंस है, 10% के लिए यहाँ पे सिल्वर का स्ट्रिपिंग होना चाहिए। तो कलर कोडिंग जो बेसिकली है, ये किसी भी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, या रेसिस्टर का रेसिस्टेंस नोटिस ये करने के लिए, सिमिलाइज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे उसका 5 बैंड रेसिस्टर का भी अपना हर एक ये इसका यूज है। आप यहाँ पे इसको पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके आप चाहे तो इन सबका डिटेल लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। वैसे इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई होप यू शुड डिस्क्राइब इट। तो नाउ बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का, कैसे रेसिस्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन देखो, बेसिकली दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। से जो हमने रेसिस्टर देखा ना, रेसिस्टर का सिंबल कैसा होता है, इस तरीके करके जिगजैग करके हम बनाते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टर बनाते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं किसी भी सर्किट में मेरा नीड है कि हमको इतना रेसिस्टर बनाना है, इतना बनाना है, या इतना यूज करना है सीरीज पैरेलल, तो दोनों को डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस समझेगा बेसिकली क्या होता है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल बेसिकली ये समझ लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर दो तरीके से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो से ज्यादा रेसिस्टर को हम, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तो वी हैव ऑप्शन टू ज्वाइन इट एज सीरीज, ज्वाइन इट एज पैरेलल। ओके, तो एक और बात क्या है कि रेसिस्टर को दो से या तीन से ज्यादा रेसिस्टर को, तो हमारे पास चॉइस होता है, सीरीज में कर सकते हैं, पैरेलल में कर सकते हैं, या सीरीज के साथ पैरेलल भी कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल दोनों कर सकते हैं, उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ दो तरीके से, और ये पैरेलल, हम डिटेल में समझेंगे इसको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कि इसका जो सबसे खासियत, सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन इसमें एक पाथ में ट्रैवल करेगा। जैसे मान लो इसमें सिंगल वायर कॉम्बिनेशन होगा, इंड टू इंड जुड़ा हुआ होगा सारा रेसिस्टर, बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होगा, नो ज्वाइंट, बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ एक सेल लगाया है सपोज यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से वो यहाँ पे दो बल्ब लगा हुआ है, ये सब स्विच है ऐसा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब सेम रास्ते में, एक ही रास्ते में फ्लो कर रहा है, इसका रास्ता कहीं बट नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया फिर इधर आ गया, जितना गया उतना ही हमेशा फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट जो है कॉन्स्टेंट रहेगा उस सर्किट में, करंट कॉन्स्टेंट रहेगा, करंट विल नॉट चेंज एट एनी टाइम। ओके, तो करंट कांस्टेंट रहेगा, तो एक चीज ऐसा है जो बदलेगा। ऐसे मान लो कि हमारा ये सीरीज में 3 रेसिस्टर को हमने कनेक्ट किया है, R1, R2, RN को, बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्टेड है, मान लो हम क्या कहते हैं कि करंट सबका सेम है, ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्ट है सबका करंट सेम होगा, लेकिन अगर करंट सेम होगा तो यहाँ पे मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे एनर्जी कुछ ज्यादा, मतलब ये होगा ना, वो तो यूज होगा ही।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे वी आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना उस लोग, तो यहाँ पे हम वी वन लिख सकते हैं आई आर वन, क्योंकि रेसिस्टेंस डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट, हर एक रेसिस्टेंस के पॉइंट पे, हर एक जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा, वोल्टेज जो होगा रेसिस्टर का वो डिफरेंट होगा हर एक कनेक्शन के पास, हर एक रेसिस्टेंस के पास, ठीक है। तो इसमें देखो इसका एक प्रॉब्लम क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस अभी आप यूज करते हो, मान लो अगर हमने 10 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, ठीक है, 10 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट तो सब में सेम जाएगा, करंट सब में सेम जाएगा, तो भी हो सकता है सब सेम से ग्लो करे, तो अगर इसमें एक जगह कहीं भी वायर मान लो कि कट हो जाता है, ठीक है, ब्रोकन हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है कहीं पे, तो पूरा का पूरा सर्किट जो है हमारा वो ब्रेक कर जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक खासियत क्या है कि सीरीज सर्किट जो होता है ओवर हीट, डू नॉट ओवर हीट इजिली, ओके। देन द डिजाइन ऑफ सीरीज सर्किट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, क्योंकि आपको इन टू इंट जोड़ते जाना है सबको, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ओके। तो हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम टोटल रेसिस्टेंस, जैसे 10 रेसिस्टेंस हमने जोड़ा सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो हमने n रेसिस्टेंस को, रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, सबको इन टू इन जोड़ दिया है, एक दो नहीं काफी, जितने भी रेसिस्टेंस बने आप जोड़ दो, आप मान लो n रेसिस्टर को हमने क्या किया सीरीज में जोड़ दिया, ओके। अब यहां हम देखेंगे हमें क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इसी का कॉम्बिन, इस सारे कॉम्बिनेशन में अगर एक रेसिस्टेंस हम मान के चले, एक रेसिस्टेंस जो होगा इसका आर इक्विवेलेंट बना लेते हैं, आर इक्विवेलेंट ये क्या होगा, और यहाँ मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इस आर इक्विवेलेंट के बदले में हमने क्या किया है, काफी सारे रेसिस्टर को कनेक्ट किया है, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, जितने मन है आपको सीरीज में आपने जोड़ दिया सबको, आपको निकालना है कि सबका कॉम्बाइंड वैल्यू, सबका टोटल कॉम्बाइंड वैल्यू, कॉम्बिनेशन वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, और इस वी पोटेंशियल से करंट मान लो आई निकल रहा है, तो आपने पढ़ा अभी सीरीज में क्या होगा कि सारे में करंट सेम रहेगा सारे रेसिस्टर में, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो अलग अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी वन वी टू वी थ्री एंड सो ऑन वी एन, इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, ओके। और मान लेते ओवरऑल पोटेंशियल इसका वी है, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट ये क्या होगा। देखो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल जो टोटल होगा इसका मेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है सारे पोटेंशियल ड्रॉप के सम के हो इक्वल होगा, सो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस प्लस वी एन, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ सारे पोटेंशियल ड्रॉप को आपको क्या करना है, सारे पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड कर देना है, और आपको ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो मिल जाएगा, ओके। सो अब देखो वी वन को हम क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ आई, करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस आर वन है, तो आई आर वन लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे आई आर टू लिख सकते हैं प्लस आई आर थ्री लिख सकते हैं प्लस So on I R N लिख सकते हैं, ओके। अब देखोगे इसमें क्या है, सब में I common है, so that's why we can write it as R1 plus R2 plus R3 plus plus R N, ओके। So V is equal to, अब ये V क्या है हमारा, ये V overall है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम इस रेसिस्टर को, इस मेन जो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने निकाला है इससे अगर हम एनालॉग करें इसको, तो ये सारा मिलके आर इक्विवेलेंट हो गया, सारा रेसिस्टेंस मिलके ये भी क्या है, वी ओवरऑल, यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी वही ओवरऑल भी है, वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ओके। तो यहाँ पे वी को हम रिप्लेस करेंगे आई इंटू आर इक्विवेलेंट से, आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर एन, ओके। देखिए ये आई विल बी कैंसिल, सो आर इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, हमें आर इक्विवेलेंट मिलेगा सारे रेसिस्टेंस का सिंपल सम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस जितने भी रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है सारे को क्या करेंगे, सारे को आप जोड़ देंगे सिंपल, जैसे ऐड करते हैं सिंपल सबको ऐड कर देंगे, ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ एक कंडीशन हम देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि सारा रेसिस्टेंस, सपोज हमारे पास एन रेसिस्टेंस है, एन रेसिस्टर है, एन रेसिस्टर है, सबको सीरीज में हमने जोड़ रखा है, सबको हमने सीरीज में जोड़ रखा है ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस क्या है सेम है, आर आर है, सबका रेसिस्टेंस क्या है, सबका रेसिस्टेंस आर है, और ऐसे रेसिस्टेंस को हमने क्या किया है जो रखा है सीरीज में, तो सब इक्वल होगा, तो आर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, तो हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं
n टाइम्स रेसिस्टेंस ऑफ सिंगल रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टर। अगर मान लो हम एग्जांपल के तौर पे कहें कि हमने 5 ओम के 500 रेसिस्टर को, 5 ओम के 500 रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, 500 मल्टीप्लाई 5 ओम, दैट इज 2500 ओम। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। सीधा आप जितना गुना हो रहा है, जितना रेसिस्टेंस है उतने से मल्टीप्लाई कर दो एक रेसिस्टेंस को, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज कि जैसे रेसिस्टेंस सेम है तो सब जगह का पोटेंशियल ड्रॉप भी जो होगा ना, हर एक रेसिस्टेंस का, हर एक रेसिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ आर, यहाँ आर, तो यहाँ भी क्या लिखोगे आप, आई आर, यहाँ भी लिखोगे आई आर, आई आर, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप भी जो होगा, हर एक रेसिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा, सब जगह वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखो, जब दो से अधिक कोई भी रेसिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ते हैं, तो इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है। अब जैसे देखो, ये हमारा सर्किट, हमने 3 रेसिस्टेंस को पैरेलल जोड़ा है। इसका जैसे जिस पॉइंट पे आपको रेसिस्टेंस जोड़ना है पैरेलल, तो वहां से आप क्या करेंगे, इंड टू इंड नहीं जोड़ेंगे, एक इंड पे सारा इंड कनेक्टेड होगा, और उसका बाकी इंड जो है ना, जितना जैसे ये 3 रेसिस्टेंस है, तीनों रेसिस्टेंस का एक इंड एक साथ जो रहा है, तीनों रेसिस्टेंस का दूसरा इंड भी एक साथ जो रहा है, और उसके बाद उसको क्या किया, मेन सर्किट से तोड़ दिया, तो ये तीनों रेसिस्टेंस हम कहेंगे कि तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कॉम्बाइन हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ होगा क्या। मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो करेगा तो इस जंक्शन, इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट जहां पे हमने तीनों को जोड़ दिया एक जगह पे, तीनों इंड पॉइंट को, रेसिस्टेंस के 3 इंड पॉइंट को जहां पे जोड़ दिया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन, पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। तो जहां जंक्शन पे जो रहा है वहां पे क्या होगा, वहां पे जिस रेशियो में रेसिस्टेंस हमारा बटा हुआ है, उस रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा। देखो, ये सिंपल वैसा ही है, मान लो कि पानी का एक फ्लो बहता हुआ आ रहा है, और यहां से हमने क्या किया, छोटा छोटा पाइप, कोई मोटा सा पाइप, कोई बड़ा सा पाइप, कोई पतला सा पाइप, ऐसे करके यहां से जोड़ दिया है, ठीक है। अब यहां से पानी का फ्लो आ रहा है, पानी का फ्लो क्या होगा, सब में इक्वल अमाउंट तो जाएगा नहीं, ठीक है, या इसी से जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसा बात नहीं, सब में जाएगा, लेकिन पानी का जिसका जिसका अपना जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते के हिसाब से सबसे पानी निकलेगा। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पानी डिवाइड हो गया, पानी का डिवीजन हो गया। तो सिमिलरली करंट जब फ्लो करेगा, जैसे यहाँ जंक्शन मिलेगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा, या मान लो I1, यहाँ I2, I3, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और करंट जब डिवाइड हो गया सब जगह, तो यहाँ पे हम कहेंगे इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस के पास करंट डिफरेंट होगा, अगर रेसिस्टेंस डिफरेंट है तो, ठीक है। उसके बाद ये इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्योंकि दो पॉइंट को हमने एक साथ जोड़ा है, इसके सारे इंड को एक साथ जोड़ा है, इसके सारे इंड को एक साथ जोड़ा है, तो इससे यहाँ पे जाओ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो ये ए है, ये बी है, और इस दोनों पॉइंट के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या होगा, इस जगह से ले जाने में यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा, वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां से लेके जाओ यहाँ पे, यहां से लेके जाओ यहाँ पे, यहां से लेके जाओ यहाँ पे, किसी रास्ते से लेके जाओ, आपको वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, मतलब पैथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, वो मतलब नहीं है, आप इस रास्ते से लेके गए तो भी आपका वर्क डन यहाँ तक पहुंचने में उतना ही हुआ, इस रास्ते से लेके गए उतना ही हुआ। जैसे सिंपल आप समझो कि ग्रेविटी के केस में, अगर मान लो इस जगह हमें किसी बॉल को लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, किसी भी पैथ से लेके जाओ, ओके, ये बस डिपेंड करेगा कि पहले कहाँ था और अभी कहाँ है, इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यही मेन सबसे थीम जो है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का ये सबसे मेन थीम है। सो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों पॉइंट का होगा वो सेम होगा, चाहे बीच में कितना भी रेसिस्टेंस क्यों ना लगा दें, ओके। सो दिस इज द एडवांटेज कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह सेम मिलता है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। और अब देखो इस सर्किट का एक और एडवांटेज क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये रेसिस्टर हमारा फेल हो गया, खराब हो गया, यहाँ बल्ब लगा हुआ था, 3 बल्ब लगा था, पैरेलल में तीन बल्ब को लगाया, और ये बल्ब क्या हो गया, हमारा फ्यूज हो गया, सपोज, तो ऐसा नहीं कि बाकी बल्ब जलना बंद हो जाएगा, बाकी जल बल्ब ग्लो करता रहेगा, क्योंकि करंट अभी भी दोनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो इसमें चलता रहेगा, और मान लो बहुत सारा रेसिस्टर ऐसा कनेक्टेड है पैरेलल में, तो कोई अगर एक दो खराब भी हो जाता है तो पूरा का पूरा आपको वो बंद नहीं होगा, ओके। तो बहुत सारे से घर का वायरिंग वगैरह होता है ना, घर का वायरिंग सब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, घर का वायरिंग सारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए आप देखते हो कहीं पे अगर एक चीज कोई खराब होता है, तो ऐसा एक बल्ब मान लो अगर सब सपोज करो घर का वायरिंग सीरीज में हुआ होता है, तो क्या होगा कि अगर कोई बल्ब आप अगर खोल दोगे 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज बताया है कि जैसे मान लो यहाँ से करंट निकलना शुरू हुआ, तो करंट जैसे यहाँ पे आया, करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा देखो दोनों अलग अलग के, फिर यहाँ से इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट पे देखो, फिर उसी मतलब जितना अमाउंट यहाँ आया उतना ही अमाउंट यहाँ से वापस निकल गया। ओके, तो जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट आउट से निकलेगा। तो इसका हम देखते हैं कि ओवरऑल एड कैसे करते हैं, करंट रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ने एन रेसिस्टर को पैरेलली कॉम्बाइन किया, मतलब सारे रेसिस्टेंस के इन पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया, बाकी इन पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया और इसको एक सर्किट में बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ से मान लो करंट आई अगर को करना स्टार्ट किया, तो इस जंक्शन पे करंट सब में डिवाइड होगा, इसमें 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 आर वन मान लेते हैं, इसमें आई वन करंट गया, इसमें आई टू करंट गया, इसमें आई थ्री करंट गया, इसमें आई फोर करंट गया, और लास्ट वाले रेसिस्टर में आई एन करंट गया। ठीक है, क्योंकि सबका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि इसको हमने एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सर्किट बनाया है इसका, ये हमारा सारे ये पूरे का जो है ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टर ये सारे का मान लेते हैं, ये पूरा मिला के अगर एक इफेक्ट देगा तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सेल लगा दिया। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इसका। ठीक है, करंट आई, अब आप क्या करोगे, देखो इस पूरे को ही हमने यहाँ पे ब्रेक करके बनाया है ना, इस तरीके से यहाँ पे जितना करंट जा रहा है ना, जितना करंट यहाँ से जाएगा, मतलब देखो एक रूल होता है, किसी भी पॉइंट पे जितना करंट डिवाइड होगा ना, मतलब जितना जाएगा उतना आएगा, मतलब जितना आ रहा है उतना ही जाएगा नया करंट, ये कंप्लीट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, नया चार्ज कभी क्रिएट नहीं होगा, नया एनर्जी नहीं क्रिएट होगा, मतलब इस पॉइंट पे जितना करंट इन कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा होगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस प्लस आई एन, ओके प्लस आई एन। अब मान लेते हैं आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पहले अगर इक्विवेलेंट हमने बनाया तो यहाँ पे वी आई वी इक्वल टू आई मेन करंट और आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो आई इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप जो है वो बाय आर इक्विवेलेंट। So, पहले हम इसको यही रखते हैं, और आई वन की जगह पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई वन की जगह पे आप लिख सकते हैं वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। यहाँ से जैसे देखो हर एक चेन, हर एक जो भी हमारा आर में, हर आर में क्या किया हमने, यहाँ पे ओम्स लगाया, तो यहाँ पे वी बराबर क्या करोगे, आई वन इंटू आर वन करोगे ना, आई वन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाय आर वन इक्वल टू आई वन। ठीक है, इसी तरीके से प्लस वी बाय आर एन, अब यहाँ आई को इक्वेट कर देंगे हम किससे, वी बाय आर इक्विवेलेंट से, वी बाय आर इक्विवेलेंट से इज इक्वल टू, देखो सब में वी कॉमन है तो वी हम बाहर निकाल लेते हैं, लिखेंगे वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री प्लस प्लस वन बाय आर एन। ओके, सो वी विल बी कैंसिल, हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी रेसिस्टेंस हो, अगर उसे हम सारे को हम अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं, सारे रेसिस्टर को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें निकालना होगा, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के केस में सारे रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल सम होगा, मतलब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल सम है, रेसिप्रोकल है ये हमारा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ ईच एंड एवरी रेसिस्टर। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने दो रेसिस्टर को कंबाइन किया, सपोज आर वन एंड आर टू को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलली जोड़ दिया। ओके, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मान लो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो लिख सकते हैं ना वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ओके, तो अगर हम दो का इक्विवेलेंट इसको थोड़ा और सॉल्व करके कैलकुलेट करें तो व्हाट वी कैन राइट, आर वन प्लस आर टू बाय आर वन आर टू इज इक्वल टू वन बाय आर इक्विवेलेंट, वन बाय आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं,
R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2। अगर दो रेसिस्टर है पैरेलल में कनेक्टेड, क्योंकि ये सिंपल होता है काफी, इसलिए इसे जाना जरूरी था। दो रेसिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कंबाइन कर दो, दो रेसिस्टर को अगर आप पैरेलल में कंबाइन करो इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R1 R2 बाय R1 plus R2। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा ऐसे निकलेगा। सिंपल, अगर एक और बात हम यहाँ कंसीडर करें, अगर हम कहते हैं इफ इफ कंडीशन इफ एन रेसिस्टर इफ एन रेसिस्टर इफ एन रेसिस्टर्स ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R एंड सो ऑन, जितना भी होगा इसको आप लिख सकते हैं क्या, n इंटू 1 by R प्लस 1 by R, मतलब ऐसा करके n इंटू 1 by R लिख सकते हैं, n by R, ये हो जाएगा हमारा 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by R, सो R equivalent इज इक्वल टू R by N। ओके, अगर इक्वल रेसिस्टर रेसिस्टेंस का रेसिस्टर n रेसिस्टर को अगर हम कंबाइन करते हैं सीरीज में तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब अगर 100 रेसिस्टर है, 100 रेसिस्टर हम मान लेते हैं 1 ओम का, 100 रेसिस्टर ईच ऑफ 1 ओम आर इन पैरेलल, देन हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा, एक्चुअली 1 ही ओम का है तो नंबर ऑफ 1 by ये हमारा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 by 100, जितना रेसिस्टेंस है ना उतना गुना घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। लेट अस सॉल्व सम सिंपल सर्किट हैविंग टू रेसिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट केस इन व्हिच वी हैव कनेक्टेड टू रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड हियर वी हैव कनेक्टेड टू रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सो 2 ओम 3 ओम का और 5 वोल्ट के साथ हमने इसको एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, तो हमें निकालना है दोनों केस में कि करेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पहले तो आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है दोनों केस का, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, उसके बाद हर एक रेसिस्टेंस के पास कितना करेंट होगा और हर एक रेसिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में सीरीज का कॉम्बिनेशन है दो रेसिस्टेंस का, तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, सीधा हम सारे को जोड़ देते हैं, तो 3 ओम प्लस 2 ओम, तो फाइनली आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपको, 5 ओम। तो यहाँ से आप नेट करंट निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा ये बना, दोनों मिलके 1 हो गया, एक इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा ये होगा आर इक्विवेलेंट और यहाँ 5 वोल्ट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना है, 5 ओम है, तो यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं, करंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बाय आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट, तो वी कितना है 5 वोल्ट और रेसिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट कितना निकला है 5 ओम, सो दिस इज 1 एम्पियर। तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का करंट आपको यहाँ पे मिलेगा इसमें। आपको पता है कि रेसिस्टेंस दोनों रेसिस्टर जो है दोनों हमारा पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट दोनों के पास सेम होगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा और यहाँ पर भी 1 एम्पियर होगा। हाँ, अगर आप बात करें यहाँ पे कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा दोनों पे, सो V at 2 ohm and V at 3 ohm, ये आप निकाल सकते हैं, 2 ohm के पास जो होगा पोटेंशियल हमारा वो क्या हो जाएगा, V equal to IR1, तो I यहाँ पे कितना है, V equal to IR लिखोगे ना, तो I यहाँ पे कितना, 1 ohm, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 2 ohm, सो हेयर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी 2 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V at 3 ohm is equal to 1 एम्पियर into 3 ohm, सो 3 वोल्ट, और दोनों को जोड़ के हमें ओवरऑल पोटेंशियल मिलना चाहिए 5 वोल्ट, तो मिल रहा है 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट 5 वोल्ट। चलो पैरेलल में यही सब चीज देखते हैं, तो पैरेलल का आपको पता है आर इक्विवेलेंट हमें जब निकालना होता है, इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा हमारा, ये हो गया इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ओके, ये बैटरी 5 वोल्ट या सेल, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 है, तो या चलो ऐसा ही करके करते हैं, मान लो अगर 2 को हमने कनेक्ट किया तो 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2, ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by 2 plus 1 by 3, अब इसे क्या लिख सकते, 3 plus
2 by 3 into 2 6 this will be 5 by 6 1 by r equivalent है हमारा 5 by 6 तो r equivalent क्या हो जाएगा 6 by 5 so this is equivalent resistance what we get यहाँ पे equivalent resistance जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 by 5 अब इस सर्किट में कनेक्ट करें कि बैटरी से सोर्स से करंट कितना निकल रहा है सोर्स से करंट अगर हमें निकालना हो सोर्स से करंट निकल रहा है आई थ्रू बैटरी अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा वी मेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाय आर इक्विवेलेंट तो यहाँ पे हो जाएगा वी की जगह पर 5 वोल्ट लिखोगे वी 6/5 ओके सो आई जो मेन होगा हमारा वो हो जाएगा 25/6 एम्पियर ओके सो दिस इज द करंट फ्रॉम द सेल बैटरी से या सेल से जो करंट निकल रहा होगा वो ये होगा अब हमें निकालना है कि दोनों रेसिस्टर के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और कितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो यही होगा 5 वोल्ट दोनों में होगा ठीक है दोनों में भी यहाँ भी 5 वोल्ट और इधर भी 5 वोल्ट ओके अब यहाँ करंट अलग है यहाँ पे करंट अगर आई जा रहा है तो यहाँ करंट डिवाइड होगा I1 I2 यहाँ पे करंट अलग अलग डिवाइड होगा सो वी कैन फाइंड आउट इजिली कि करंट I1 क्या होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा V by R1 ओके सो V यहाँ पे क्या हमारा V है 5 वोल्ट और R1 हमारा क्या है 2 सो 5/2 एम्पियर हो जाएगा करंट यहाँ पे सिमिलरली I2 हम निकाल सकते हैं V यहाँ पे कितना है V अगेन V सेम ही है 5 वोल्ट और रेसिस्टेंस यहाँ का कितना है 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5/3 एम्पियर अब देखो दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए तो 5/2 + 5/3 करोगे तो ये आपको इतना मिल जाएगा ओके तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस का बात करेंगे जिसमें हम सीरीज पैरेलल को साथ में भी जोड़ के देखेंगे एक सर्किट में सीरीज में भी कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में भी रेसिस्टर जुड़ा हुआ होगा और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो भी रेसिस्टर्स होता है उसको जोड़ के देखेंगे ठीक है और उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पे ओके सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और पढ़ाई करिए बढ़िया से एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल